हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो चमत्कारिक होने के साथ साथ कला का भी अद्भुत नमूना है। आप सच माने या झूठ, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, कहा जाता है कि उसे भूतों ने बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इस मंदिर को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया होगा, बल्कि इस मंदिर की बनावट तो ये कहती है कि निर्माण करने वाला इस मंदिर को अधूरा छोड़कर चला गया। इस मंदिर में पत्थरों का इस्तेमाल तो नजर आता है, लेकिन मंदिर बनाने में उन पत्थरों को जोड़कर खड़ा करने में किस वस्तु का प्रयोग किया गया होगा, इसका आज तक पता न लग सका। क्योंकि आश्चर्य की बात ये भी है कि पत्थरों से बने इस मंदिर का बिना बालू, सीमेंट या गारा की सहायता से निर्माण किया गया है। ये रहस्यमय डरावना मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंघोनिया गाँव में स्थित है। भगवान शिव का ये धाम कनन मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो अपने रहस्यमयी होने के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मुरैना जिले में स्थित ये अद्भुत मंदिर सैकड़ों सालों से लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। 20 फीट ऊंचा ये मंदिर अपनी बनावट के कारण देखने में ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में गिर जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 11वीं शताब्दी का ये मंदिर अब तक सुरक्षित है, जबकि आसपास के सारे मंदिर गिरकर टूट गए। लोग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भूत प्रेतों ने एक ही रात में किया है। रात के समय इस मंदिर में लोगों के चलने फिरने, रोने चीखने की आवाज भी सुनाई देने लगती है। शाम ढलने के बाद से ही यहाँ के आसपास का सारा वातावरण डरावना हो जाता है। रात के अंधेरे में इस मंदिर के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ अनहोनी होने की खौफनाक घटनाएं भी स्थानीय लोगों के मुंह से सुनी जा सकती हैं। बहुत खोजों के बावजूद इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि इस मंदिर के पत्थरों को किस वस्तु से जोड़कर मंदिर का निर्माण किया गया होगा। ये भी एक आश्चर्य का विषय है कि बिना सीमेंट गारे का ये मंदिर अब तक गिरा क्यों नहीं। इस मंदिर को बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया होगा, जिसकी जानकारी आज तक नहीं मिल सकी। इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो बड़ी दिलचस्प है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 11वीं सदी में राजा कीर्ति सिंह ने अपनी रानी ककनावती के नाम पर बनवाया था। कहा जाता है कि वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। एक दिन रानी ने राजा से जिद की कि मेरे लिए कल सुबह तक भगवान शिव का एक मंदिर बनवा दे, मुझे कल ही भगवान शिव की पूजा अपने शिव मंदिर में करनी है। अब रातों रात मंदिर का निर्माण कैसे हो, राजा सोच में पड़ गया। उसने राज्य के सेनापति से इस विषय में बात की। सेनापति ने अपने सभी सैनिकों को मंदिर निर्माण के लिए लगा दिया। उन सैनिकों ने पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बिना किसी चीज से जोड़े यूं ही खड़ा कर दिया। उसके बाद उस मंदिर के ढांचे के सामने बैठकर रानी ने भगवान शिव का आह्वान किया और प्रार्थना की कि कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे कि मंदिर के पत्थर आपस में जुड़ जाए और ये पत्थरों का ढांचा मंदिर के स्वरूप में बदल जाए। रानी ककनावती की शिव भक्ति सच्ची थी, चमत्कार हो गया। सैनिकों द्वारा रातों रात तैयार किया गया पत्थरों का वो ढांचा मंदिर में बदल गया और ब्रह्म मुहूर्त में उस मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी। इस मंदिर पर भगवान शिव का प्रताप होने के कारण कहा जाता है कि ये मंदिर आज भी है। एक और कथा के अनुसार इस क्षेत्र में एक काला तांत्रिक रहता था जो शिव का परम भक्त था। एक रात उसने आग जलाकर भूतों का आह्वान किया और उनसे कहा कि तुम सबको रातों रात यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करना है। अगर तुम सब ने सुबह होने से पहले इस काम को पूरा नहीं किया तो मैं काला तांत्रिक सभी भूत प्रेतों को उसी आग में जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक की बात से भूत प्रेत डर गए। उन्होंने तुरंत मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही बारिश होने लगी, जिस कारण उस तांत्रिक द्वारा डराए जाने के लिए जलाई गई आग पानी से बुझ गई। अब उन भूत प्रेतों को आग से जलने का कोई डर नहीं था। मौका देखकर सभी भूत प्रेत वहां से भाग निकले और मंदिर का काम अधूरा रह गया। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम भूतेश्वर भी है। मान्यता है कि यदि मंदिर के अंदर कोई हथियार लेकर प्रवेश करता है तो हथियार छूटकर गिर पड़ता है या व्यक्ति खुद ही जमीन पर फिसल कर गिर पड़ता है। यहाँ पर मन्नतों के लिए लिखित अर्जी लगानी पड़ती है, यानी अपनी मनोकामना कागज पर लिखकर मंदिर में नियत स्थान पर रख दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कैसी लगी यह अनोखी कहानी आपको, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए धर्म संवाद को। मैथिता मिश्री, धन्यवाद।